सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं अहमद का स्वागत करता हूं आप सभी लोग अगर एक और नए एजुकेशन वीडियो में। तो आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी टूडियस हैं, लेकिन वो उतना बीटेक का फी अफोर्ड नहीं करते। वो बीटेक करना तो चाहते हैं, अच्छा कर रहे हैं, करियर में अच्छा कर रहे हैं, अच्छी मार्क्स भी ला रहे हैं, अच्छा रैंक भी कर रहे हैं जेईई वगैरह के एग्जाम्स में, लेकिन वो बीटेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिनेंशियली इतने अच्छे नहीं है कि बीटेक का फी दे सके। तो यहाँ पे आता है कि स्कॉलरशिप मिल जाए उनको, कैसे भी करके कोई स्कॉलरशिप मिल जाए जिससे उनकी हेल्प हो सके ताकि वो बीटेक कर सके। तो ये स्कॉलरशिप सीरीज की पहली वीडियो है। आने वाले दिनों में आपको तमाम और वीडियोज मिलेंगे अलग अलग कॉलेजेस के। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी का बात करने वाला हूँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी जो रुड़की उत्तराखंड में है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसका सबसे पहले मैं इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे तीनों ही फॉर्मेट में स्कॉलरशिप ऑफर करे जाते हैं। एक तो इनका खुद का एग्जाम होता है, क्यू केयर एग्जाम बोलते हैं, क्वांटम यूनिवर्सिटी क्यू केयर एग्जाम उसको बोलते हैं। इसके थ्रू भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आगे बात करेंगे कि उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या कुछ आपको स्कॉलरशिप में मिलता है, और साथ ही जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे अभी आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप ट्वेल्थ में अच्छा कर रहे हैं लेकिन अगर आप जेईई में अब ये नहीं हो पाए तो भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे। तो तीनों ही के बारे में बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो क्यू केयर एग्जाम है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें क्या है कि 55 प्लस प्रोग्राम में जो है ऑफर करे जा रहे हैं स्कॉलरशिप, लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ बीटेक की बात करने वाले हैं। और एक और बात आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर क्वांटम यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ रुपए तक के अमाउंट जो है स्कॉलरशिप के ऑफर करे स्टूडेंट्स को। तो ये काफ़ी अच्छा कर रही है यूनिवर्सिटी। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं, तो अगर आप जो भी लोग रिव्यू देखना चाहते हैं बीटेक कोर्स के ऊपर, एमबीए पे ऑलरेडी रिव्यू आ चुका है, बीटेक पर अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बिना ही टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यू केयर एग्जाम अगर आप देते हैं, एग्जाम का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है तो आप जाओ और उसको फिल करो। अगर आप स्कॉलरशिप के साथ किसी प्रीमियम कॉलेज से, प्रीमियम यूनिवर्सिटी से बीटेक करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अगर क्यू केयर में कितना मार्क्स लाते हैं तो क्या अमाउंट आपको मिलने वाला है ट्यूशन फी में एज ए स्कॉलरशिप। तो अगर आप 60 से लेकर के 69.9% आपका है मार्क, अगर आपने सिक्योर करा है क्यू केयर स्कॉलरशिप एग्जाम में, तो आपको 10,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में। वहीं पर अगर आप 70% से लेकर के 79.9% तक का मार्क्स अगर आप सिक्योर करते हैं तो आपको 15,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में। और वहीं पर अगर आप 80% से लेकर के 89.9% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक का अमाउंट मिलेगा। वहीं पर अगर आप 90% या उससे अबव का स्कोर करते हैं तो आपको 30,000 रुपी तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे हैं कि भैया अगर मैं 90% या अबव लाता हूँ तो मेरे को 30,000 रुपी का ट्यूशन फी तो मिलेगा, लेकिन कॉलेज का फी क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं कॉलेज रिव्यू के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लो। और अब बात करते हैं, अगर आप जेईई मेन में आपने अच्छा किया और आप क्वांटम यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं या बीटेक करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे। अगर आप जेईई मेन में 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक अगर आप सिक्योर करते हैं, आप क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर में। वहीं पे अगर आप 50,000 1 से लेकर के 150,000 तक आपका रैंक है तो आपको 80% का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर में। वहीं पे आपका 150,000 1 से लेकर के अगर 250,000 तक आपका रैंक है जेईई मेन में तो आपको 70% का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर में। वहीं पे अगर आप 250,000 1 से लेकर के 350,000 तक आपका रैंक है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर में। वहीं पे अगर आप 350,000 1 से लेकर के 450,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर में। और अब बात करते हैं, अगर आपने क्यू केयर एग्जाम नहीं दिया लेकिन आपने अपने ट्वेल्थ में काफी अच्छा करा है तो भी आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहला स्कॉलरशिप का वीडियो क्वांटम यूनिवर्सिटी पे बनाने का यही एक मेन कारण था कि यहाँ पे तीनों ही फॉर्मेट में स्कॉलरशिप ऑफर करे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रीमियम कॉलेज हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के तरह ही जो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन क्वांटम यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यू केयर एग्जाम के थ्रू भी स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। अगर आपने ट्वेल्थ में अच्छा किया तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप का, तो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो परसेंटेज है ट्वेल्थ में, अगर आपका
70 से लेकर के 79.9% है तो आपको 10,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में। वहीं पे अगर आपका 80% से लेकर 89.9% का है तो आपको 20,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं पे अगर आप 90% या 90% से ज़्यादा हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर में। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आपको 100% स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कि इंडिया का प्रीमियम यूनिवर्सिटी है। और एक बात और बता दूँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं 3 स्कॉलरशिप ले लूँ तो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, आप एक टाइम में एक स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखना चाहते हैं या कोई और स्कॉलरशिप से रिलेटेड रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते कल एक नए वीडियो में।